आजकल ईडी सीबीआई और उन पर कोर्ट की टिप्पणियां मानो आम बात हो चली है। कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट की कोई ना कोई टिप्पणी ईडी और सीबीआई को लेकर आ ही जाती है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ईडी ईसीआईआर यानी सूचना रिपोर्ट की जानकारी समन किए गए व्यक्ति को नहीं देती है तो कम से कम उस व्यक्ति को उस पर लगे आरोपों की जानकारी देनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी सौरभ मुकुंद बनाम ईडी के मामले में सामने आई है। जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पूछताछ या जांच सभी लोगों के लिए निष्पक्ष होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ईडी के लिए तलब किए गए व्यक्ति को ईसीआईआर की एक प्रति देना अनिवार्य नहीं है। इसको लेकर जस्टिस खान ने कहा, अगर कुछ भी स्पेशल सिचुएशन नहीं है और किसी व्यक्ति को ईडी बुलाती है और ईडी के पास ईसीआईआर की कॉपी नहीं है तो कम से कम व्यक्ति को आरोप के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इससे वह खुद को केस के लिए तैयार कर सकता है और जानकारी इकट्ठा भी कर सकता है। कोर्ट ने भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति कानूनन पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी के समन से इस आधार पर बचने की कोशिश करता है कि भविष्य में उसकी गिरफ्तारी की संभावना है तो यह गलत है और वो ये नहीं कर सकता। कोर्ट ने ईडी केस में आरोपी बनाने को लेकर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, कानून ये कहता है कि समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति सच बताने के लिए बाध्य है, लेकिन जांच प्रक्रिया के लिए बुलाया गया कोई भी व्यक्ति आरोपी नहीं है। केवल ईसीआईआर दर्ज होने से कोई व्यक्ति आरोपी नहीं बन जाता, गिरफ्तार होने पर या मुकदमा चलाने पर ही वो आरोपी बन सकता है। कोर्ट की टिप्पणी जिस केस के लिए आई है उसके बारे में भी जान लीजिए। याचिकाकर्ता सौरभ मुकुंद को ईडी ने इस साल फरवरी में 2 ईसीआईआर के संबंध में समन जारी किया था। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उन्हें परेशान करने के लिए समन जारी किए गए। उन्होंने आगे बताया, चूंकि मामले में ईडी पहले से एक ईसीआईआर दर्ज कर चुकी है, इसलिए एक ही तरह की 2 और ईसीआईआर दर्ज करना सही नहीं है। साथ ही इन दोनों ईसीआईआर के बारे में कोई भी विवरण नहीं दिया गया। इसको लेकर ईडी ने तर्क दिया कि 3 ईसीआईआर अलग अलग मामलों से संबंधित हैं। ये भी तर्क दिया गया कि केवल समन जारी करने से कार्रवाई का कोई कारण नहीं बनता है। इन दलीलों पर न्यायालय ने कहा कि दोनों ही ईसीआईआर किस आधार पर दर्ज की गई हैं इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि समन किए गए व्यक्ति को ईडी के सामने पेश होना आवश्यक है और व्यक्ति उपस्थित होकर अपनी सफाई में दस्तावेज पेश कर सकता है। आखिर में कोर्ट ने कहा कि ये याचिका केवल आशंका के आधार पर दायर की गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता को पता नहीं था कि उसे आरोपी या गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ललन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।